हम न्यूज फ्रंट कॉलोनी के अंदर तैमूर नगर के अंदर और हमारे यहाँ जो वाल्मीकि समाज का जो एक महापंचायत चल रही है उसके बीच में कुछ महिलाएं हमारे बीच में आई। हम उनसे जानकारी लेते हैं कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से रूप धारण करने पड़ेंगे, कौन कौन सी मुहिम आगे चलानी पड़ेगी, क्योंकि सब यही कहते हैं कि जो अगर इस समाज की या बहुजन समाज की महिलाएं अगर सुधर जाएं तो सारा समाज सुधर जाएगा, इतना बड़ा आरोप लगता है। मैडम आप लोगों के ऊपर बहुजन समाज के जो महिलाएं उन पर इतना बड़ा आरोप लगता है कि अगर ये महिलाएं सुधर जाएं तो पूरा समाज सुधर जाएगा, तो ये किस तरीके का आरोप है? क्योंकि एक तो शिक्षित नहीं है और ये धर्म में ऐसी फंसी हुई हैं, इन धर्मों से निकलना इनका बड़ा मुश्किल होता है, तो आप और महिलाओं को कैसे जागृत करेंगे कि आप किस तरीके से धर्म को लेकर चलेंगे? देखिए मेरा नाम सोनिया बेनीवाल है, संगम विहार से हूँ। जैसे कि आपने बोला कि अगर कहते हैं महिलाएं सुधरी नहीं है, मतलब महिलाएं देखिए धीरे धीरे करके ही समाज परिवर्तित होता है। महिलाएं अब हमारे समाज की आगे आ रही है, बढ़ रही हैं, शिक्षित भी हो रही हैं। हाँ, जहाँ बात धर्म की आती है वहाँ पे थोड़ा सा जैसे अब पेरेंट्स उसी धर्म में हमें पाला पोसा तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन तो आ रहा है। धर्म की बात नहीं करती मैं, लेकिन पाखंड से के खिलाफ मैं हमेशा से हूँ। कौन सा पाखंड है? अब पाखंड देखिए, पाखंड वही है ना कि पाखंड जैसे कि हम लोग, हमें ये पता है कि भाई पंडित है, ब्राह्मण है, ये जो बोल देता है भाई वो सच हो जाता है। अगर उसने बोला इस चीज़ से आपका उद्धार हो जाएगा, हम वही करने लग जाते हैं, है ना, तो वही चीजें हैं। लेकिन मैडम आप जो पाखंड की बात कर रही हैं कि कुछ दिन पहले आपको पता होगा एक जो एक मट्टी की मूर्त है या संगमरमर की मूर्त है उसने दूध पिया था, मैंने नहीं देखा ना। गणेश जी ने दूध नहीं पिया था? अरे देखिए ये तो यही तो पाखंड है। आप बताइए गणेश जी ने दूध पिया? गणेश जी ने दूध पिया लेकिन मैंने, खैर हम लोगों ने नहीं देखा, लोग बोल रहे हैं ऐसे, ये सब पाखंड है, ये सब दिखावा है। मैं उज्जैन में एक मंदिर में गई थी, भैरवनाथ जी के मंदिर में, वहाँ वो दारू, अभी हाल ही में आई हूँ, सबने देखा वो दारू पी रहे हैं। खैर मैं सोच रही थी कि वीडियो बनाऊँ, फोटो खींचूँ, मना था तो ठीक है चले गए मंदिर में, लेकिन देख रहे हैं, लेकिन पता चल जाता है ये सब पाखंड है। पंडितों का तो इसमें फायदा ही फायदा है, वो ये बोल देंगे वहाँ 10 लोग चले जाएंगे दूध लेके पिलाने लग जाएंगे, तो ये पाखंड का आज मोदी जी के मतलब उनके शासन काल में बढ़ ही रहा है, ये देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जब कहते हैं कि मतलब महिलाएं अगर थोड़ी एजुकेटेड हो जाए तो ये सारा पाखंडवाद आप लोग खत्म कर सकते हैं? नहीं देखिए, शिक्षित होने के मैं अभी पाखंड, हाँ ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस पाखंड कैसे खत्म होगा? सिर्फ हमें शिक्षित होने के बाद हमें शिक्षित, तो शिक्षा तो जरूरी है, उसके साथ साथ अम्बेडकर जी के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम उन्हें पढ़ लेंगे तो हमें, हम इस चीज़ को फॉलो ही नहीं करेंगे। सभी लोग अम्बेडकर जी की बात करते हैं, अम्बेडकर जी को फॉलो करने वाली बात आती है, जब टाइम आता है तो अम्बेडकर जी को याद नहीं करते हैं। जैसे अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं को इतने अधिकार दिए थे, जीने के अधिकार दिए थे, लेकिन उन महिलाएं उनको अधिकार को ग्रहण नहीं कर रही हैं। अम्बेडकर, मैंने जैसे कि बहुत जगह मैंने देखा है, अम्बेडकर जी ने सिर्फ ऐसा नहीं, दलित महिलाओं के लिए ही काम किया है, स्वर्ण जातियों के लिए भी किया है। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तो बाबा साहब के संविधान की वजह से थी, उन्हीं की वजह से स्वर्ण जाति की महिलाएं कई बार आरक्षण के विरुद्ध बात करती है, जबकि उनको खुद वो आरक्षण का लाभ मिला हुआ है, वो ये नहीं सोचते कि ये लाभ है और जो आगे बढ़ रहे हैं बाबा अम्बेडकर जी की वजह से ही। एक राजनीति रूप से बताती हूँ, राजनेता या कुछ लोग ये लोग बात, आज तो खैर पूजा कर ही रहे हैं, आजकल तो मान रहे हैं बाबा जी को, चाहे दिखावे के लिए फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग आगे आके कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले नहीं इतना बड़े तरीके से अम्बेडकर जयंती मनाई जाती थी, आजकल मना रहे हैं, वो तो राजनीति हो गई अलग तरीके से, लेकिन अगर हम संगठन में रहकर लोग इकट्ठे होकर बात करें बाबा जी के बारे में, और बात करने के साथ साथ बचपन से ही हमें इस चीज़ के बारे में सिखाया जाए, हर एक घर में बाबा जी की तस्वीर लगाए बाबा अम्बेडकर जी की और उनके बारे में बताया जाए, तो काफ़ी हद तक चीज़ें सुधर जाएगी, हमें पता चल जाएगा, बड़े होने के बाद पता चलता है, घर में माँ बाप से तो पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा था, कितना हमने सहा है। मेरी वाली मेरा मानना यह है कि अगर बाबा साहब की तस्वीर की बजाय अगर बाबा साहब का संविधान अगर घर में होगा तो कितना अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बचपन से ही हमें अगर वो पढ़ने को मिल जाएगा तो हम बहुत चीज़ें जानेंगे, उसको समझेंगे, समझना और जानना बहुत ज़रूरी है अम्बेडकर जी के बारे में। आप युवा हैं तो आप
युवा, उसे क्या अपील करेंगी? मैंने देखा है ना, युवा भटके हुए हैं। अभी मीटिंग होगी, कुछ होगी तो टाइम ही निकालते हैं, संडे चलो घूमने चलते हैं, लेकिन घूमने से ज्यादा इम्पोर्टेंट अपने समाज में उठना बैठना, उनके विचार, अपने विचारों का आदान प्रदान करना जरूरी है। आज मैं सभा में, इस मीटिंग में आई, जब महापंचायत की जो सभा हुई, बड़े जितने भी हमारे बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो बताया उसको हम समझ रहे हैं, हमें भी बोलने का मौका, समझने का मौका और मौके मिल रहे हैं, उन्हीं की वजह से मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए और ये सभाएं होनी चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए और ये इस तरह की बातचीत भी होनी चाहिए, बहुत बेनिफिट होता है, फायदे होते हैं, युवा जागरूक इसी से होगा।